नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री घरकुल योजना लागू की गई थी, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन होता नहीं दिख रहा है। इस योजना के लाभार्थियों को दूसरे चरण की सब्सिडी अभी तक दी नहीं गई है। लाभार्थियों को तुरंत अनुदान नहीं दिया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में पूर्व संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर मावनकुले ने अपने विभाग के माध्यम से एक माह पूर्व सभी जिलों के सरपंचों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में मुख्य अभियंता उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थी को दूसरे चरण में 40,000 रुपए देने का फैसला किया था और सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया था। कहा गया था कि इसे हर गांव में लाभार्थियों को तुरंत दिया जाएगा, लेकिन एक महीने बाद भी अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गई। नागपुर कामठी तालुका सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष मोरेश्वर कापसे ने NMRDA के तहसीलदार से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जब अनुदान म्हाडा विभाग ने उनकी ओर रुख किया है, इस संबंध में जब म्हाडा के मुख्य आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के कारण सब्सिडी वापस ली गई है। सरकार की इस गलत नीति के कारण प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कामठी तालुका सरपंच संगठन सभी गांवों के लाभार्थियों को अपने साथ लेकर सरपंच संघ के अध्यक्ष मोरेश्वर कापसे ने चेताया है कि कड़ा आंदोलन किया जाएगा। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। या ठिकाणी बैठक लावली म्हणजे NIT ला सदर येथे त्या बैठकीमध्ये मुख्य अभियंता उपाध्याय मॅडम कातडे साहेब आणि अजून 2-4 लोक अधिकारी त्या ठिकाणी होते। त्या ठिकाणी ठरल्या गेलं का बा दुसरा जो टप्पा आहे हा टप्पा आपल्याकडे अवेलेबल आहे, त्या टप्प्याचे पैसे अवेलेबल आहे, ते ताबडतोब वाटप करण्यात यावे प्रत्येक लाभार्थ्याला। परंतु एक महिना लोटूनसुद्धा अजूनपर्यंत ते पैसे आलेले नाही, त्याचं कारण मी NMRDAचे जे तहसीलदार आहे त्यांना मी दूरध्वनीवरून संपर्क केला की अजून मी पैसे का आलेले नाही। त्यांनी सरळ सांगितले की बा पुन्हा हा पैसा शासनाच्या काही अटी शर्तीनुसार पुन्हा माळा ह्या विभागाला गेला। मी माळाशी संपर्क साधला, तिथले जे मुख्य अभियंता आहेत जाधव साहेब म्हणून त्यांना विचारणा केली का पैसा तुमच्याकडे 300 कोटी पैसे जे आहेत हे तुमच्याकडे वळती झालेले, याचं कारण का बा? कारण की इथंच मीटिंगमध्ये ठरलं गेलं होतं, परंतु त्यांनीसुद्धा सांगितलं का शासनाचा काहीतरी निर्देश आदेश आहे, यामुळे आम्ही तो पैसा परत घेतला। परंतु आम्ही सरपंच या ठिकाणी वारंवार त्यांना नोटीस देऊन त्यांना पत्र देऊन निवेदन देऊन ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या। ह्या आणि येणाऱ्या 4 ते 3 महिन्यामध्ये आमचे सुद्धा इलेक्शन लागल्या गेले या ग्रामपंचायतचे, आणि त्याच्यामुळे हे लाभार्थी वारंवार रोज आम्हाला विचारायला येतात की आमच्या खात्यामध्ये अजून भी पैसा जमा झालेला नाही। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur।